मेरी गाड़ी में गाय रहा यार ताईवा ताईवा पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया चल तो नहीं खत्म हो गया पता नहीं यार मैं कॉल ही कौन सी एक तो धूप भी हो रही है पता नहीं गाड़ी में रास्ते में क्या हुआ अरे नशा चेक देखो पता नहीं गाड़ी बहुत धूप हो रही है अरे लचाक देखो लचा लचा के का करी तो तेल नहीं है का हमका लग रहा तेल ही खत्म हो गया है का तेल नहीं तो खत्म हो गया है तो कहना स्टार्ट हो रही है अरे यार पता नहीं का हुआ एवरेस्ट तो बहुत देती है स्टार्ट नहीं है अरे तुमरे संग जब चलो तो यहाँ है बहुत यहाँ का होता हम की जनता अरे तो फिर का हुआ है देखो गाड़ी में है जल्दी देखो स्टार्ट करो नहीं स्टार्ट ना रही का मतलब तेल भी खत्म ही हुआ हुई है तुमरे संग जब चलो तब तुम यहाँ बनाओ तो ना कभू मत तेल डराओ ना चेक करो हम को इतनी धूप में हले चल के यहाँ परेशान कर देती हो अरे यार तुम्हारे घर वाले इसे गाड़ी नहीं देते तुम्हारे जब देखो तब तेल भी खत्म रहते हैं का तेल ही खत्म ही हुआ झांक के देखो टंकी में झांक के देखो तेल यार कैसे खत्म ही हुआ तो टंकी में झांको ना लेकिन झाको देखो तेल वेल खत्म है कहा है आखिर कहा ना स्टार्ट हुई रही है काफी दूर पैदल चलेंगे कहा घसीटस भर तेल तैयारी में दिखना ही रहा यार बहुत भरवा हो रहा है हाँ तो भरवा रहा तो चला कहाँ गया तेल तुम्हारे साथ ऐसे उस दिन वहाँ गए टहले घूमे तभी आप ऐसे बना दियो रास्ता अरे पापा मार तो बढ़िया गाड़ी है पापा मार का गाड़ी में का तेल हमेशा देते नहीं है का जो गाड़ी दे है तो कमा तेल ही भरा रही है तेल तो तुम्हें भरवाना पड़ी है तुम्हारे जब देखो तब तेल रहा है यार तेल कैसे रहा है तेल होती तो तेल खत्म कैसे हुआ फूको हाँ मैंने फूके वो गाड़ी में फिर वहाँ फूकते घूमो दुनिया के टिकड़ हुए रोड पर खड़े हो जाओ ना शर्म लागे लागत तेल वेल खत्म हो जाता हमका बहुत गुस्सा आवे अरे यार हम का जानी खत्म है जी ये तेल वेल तुम लोगन के चक्कर में तुमसे कह रहे ना आज रहा हम जो आज का दिन शुभ नहीं ना स्टार्ट भाई कह रहा पहले सब देख रहे की लीन करो आज बता भूल गए फिर भाई ज्यादा करियो छोड़ दे बगैर चिल्लाइयो छोड़ नहीं कदी हो देखो स्टार्ट करो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बैठो ठीक है बैठो चलो पीछे थोड़ा बस अरे जा यार बकार है हुई गई मैं तेल बूंदो कर तेल लो नहीं है हुन पनिया हुई गई पढ़ा ऐसे कोरी लोगन संग तो शादी कई दिन गए है जिनका यहाँ नहीं पता है की कत्ते किलोमीटर में कत्ते दूर क्या हम तेल डराई की ना डराई 500 का तेल डराई तो मिठाई कैसे ससुराल मिठाई उठाई ले जीवा तो तेल तो पहले नीके डराए होते हो चलो इसे मिठाई नहीं खरीदते तो कुछ और खरीद लेते हो कोई जरूरी मिठाई रहे अब इसे पैदल चलो पैदल चलो पैदल इतनी धूप में यहाँ पैदल मार दियो उनका चलाए के यहाँ करी हो का गाड़ी यहाँ कहूँ तेलो तो नहीं मिली आसपास कहूँ है तेल मिले वाला
कहो तो कोई हमका टंकी उंकी नहीं दिखा रही तेरे पर यहाँ। ट्रैक्टर जा रहा ट्रैक्टर से निकली हुआ थी जो आदमी जा रहा इससे लिफ्ट ले ली होती तो वहाँ सबसे हम लिफ्ट ले रहे घूमने। हमारे पापा एक लिए गाड़ी थी ना कि हम सबसे लिफ्ट लेते घूमबा। वो पानी है आज तक पानी बचा है अत्य धूप में थका थका के मार डरेगा पानी ना आप पीता इतना पानी मतलब बच्चा मुंह तुम्हारे इतना पानी पेक हो पियो ना पेक हो लाओ तुम 25 रुपए का तेल डरा के चले रहो तो तुम कहना है वहाँ शर्म लगा तो मिठाई नहीं लेते ना भी मिठाई तो वो पहले सोच के चला करो कि हमका कत्ते ससुराल में जाएगा खर्चा बैठी कत्ता खर्चा ना बैठी तो वो कहे हम तुम्हारे अपने भाई संग ना आवा करो। अरे यार तुम्हारे संग आवा करे की ना आवा करे तुम्हारे तेल ले जाखो तब तक तब खत्म हो जाते ऐसे तो बता देते तो अपने भाई को बुला लेते चले जाते तो कहे नहीं बुला कहे तो तुम कहे का आराम चल भाई संग चले जाते अब तक तो हम घर पहुंच जाते धूप में खड़े खड़े सब देखो कैसे हूं जाए रहे तुमका धूप में सब बिलवाए डाले उतनी देर से ने धूप में कई भाई जा रही है वैसे ही कह रही है यहाँ कहूँ पेड़ों ना है जो छाया में बैठे जाए थोड़ी देर तो पैदल चलो मैं इसे चले हम तुमसे हम पूछे ना हमका बता देते ना हम फोन कर दी तो अपने घर हम चले जाते हैं बुला ली तो अपने भाई के यहाँ चले जाते हैं फालतू में हाँ तुम वहाँ चलो चलो चलेंगे चलेंगे ऐसा है कौन आ जाए ट्रैक्टर ट्रैक्टर वाला या कौन आ जाए कोई पर तुमका बैठा दे हम इसे ट्रेन किस में तुमसे यार कहा रहा है पैसा डाले रहन पैसा का हम तेल के बल्दी डाले रहन का हम घर जीवा अपने गाँव कोई हमका खर्चा पानी लागवा तो का हम तेल के ले तेल और मिठाई सब तुम्हारी जिम्मेदारी रहे की हमारी जिम्मेदारी है तुम हमारे बोझ ला दे रहा तो बता देते सब तुम्हारे बोझ ला दे की यहाँ है तुमका ऐसे ऐसे करे की यहाँ है। अरे अब क्या करियो बताओ अब क्या करियो जो समझो तो करो हम बता फोन अपने घर को बुला ली चले जाये तुम लाओ घसीट घसीटाई गई है फोन और का मोबाइल घर में तुम सब बोल रही हो घर में हमारे से कर्म ही खराब रहे जो तुम्हारे संग शादी हुई गए फंस गए ने धूप में यहाँ बिल्लाए जाए रहे तुमका तो धूप में बड़ी बिल्लाहट होने लगा बिल्लाहट थोड़ी नहीं लागत है घर पर गेहूं नहीं घर पर कट्टी होगा काटन नहीं करा घर पर गेहूं है तो काटन है चलो भाई से चली भैया सीता तो रामकृष्ण 14 बरस वनवास में चल सकती है।